नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे पास में बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग वायलेंट कंडीशन में लाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और फिर इसलिए हमारे हॉस्पिटल को कभी कभी लोग मजाक में ये भी बोलते हैं कि ये पागलों का दवाखाना है, पागलों का डॉक्टर है। इस तरह से होता है क्योंकि इतने वायलेंट पेशेंट आते हैं। और मतलब अभी मैं आपको जो पेशेंट बताने वाला हूँ उसका वीडियो इतना वायलेंट है, 10-10 लोगों को कंट्रोल नहीं हो पा रहा था वो। उसको कैसा था भी उन्होंने पकड़ लिया, वो खाट पे सुला दिया, उसको कॉट पे सुला दिया, उसको कॉट पे बांध दिया कस के। मतलब उतना डर उनको लग रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं, चक्कू छुरे लेके उनके पीछे लग रहा था वो। और उसको बांधने के बाद में फिर उसको वो कॉट का कॉट गाड़ी में डाल दिया उन्होंने, उनको हमारे यहाँ लाया। तो ऐसे काफ़ी लोग आते हैं। अभी ये केमिकल इम्बैलेंस है, इसका सबूत देखो क्या है कि भाई मानसिक बीमारी है, केमिकल इम्बैलेंस से होती है, केमिकल लोचा है ये। क्योंकि अभी इतना वायलेंट पेशेंट है नहीं है, ये पेशेंट को सिर्फ हम इंजेक्टेबल इंजेक्शन हेलोपेरिडॉल देते हैं, हेलोपेरिडॉल का इंजेक्शन, लोरेजीबाम का इंजेक्शन हम देते हैं, तो हार्डली 1-1.5 घंटे के अंदर वो कंट्रोल में आता है। मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर उसका केमिकल लोचा जो है, केमिकल इम्बैलेंस जो है, वो बैलेंस हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसका पहला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए पहला वीडियो। चाकू लिया ही नहीं। और अभी ठीक होने के बाद में ये दूसरा वीडियो है। तबियत कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्या हो गया था? उस समय बहुत गुस्सा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, अभी क्या क्यों कर रहे थे ऐसा? मराठी बोला सर। हाँ नहीं देते ठीक है। तरीशी काय झालं तुम्हाला? तरीशी मारपीट करत होतो ना, बांधून ठेवला होता, काय झालं? हां इकडे पहा, माहीत नाही अभी एकदम शांत हो गए। और उनको जब पूछा कि उस दिन क्यों इतना मारपीट कर रहे थे, तो बोलते मालूम नहीं, याद नहीं, ऐसा बोल रहे हो। और बांध दिया था, धूमधाम कर दिया था, इसलिए पूरे बदन में दर्द हो रहा है अभी। ठीक है, थैंक यू। एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल। उसको इंजेक्शन के बाद में एकदम ठीक हो गया। मगर क्या होता है कि लोग देहातों में ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इतने लोगों को कंट्रोल में नहीं आ रहा है, 10-10 लोग उसके पीछे पड़े हैं, बहुत वायलेंट हो गया, तो ये भूत पलीत है, ये कुछ तो भी बाहर का करने का उठाड़ का किया हुआ है, और फिर उसके पीछे लोग लगते हैं। तो वैसा कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत भानामती ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और ये है मानसिक बीमारी, और उसको दवाई से अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।